हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बनाएंगे ओट्स डोसा, जो ब्रेकफास्ट के लिए बहुत आइडियल है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है एंड बहुत हेल्दी एंड टेस्टी होती है, क्योंकि ओट्स में बहुत सारे फाइबर रहते हैं और दाल भी हम लोग यूज़ किया, दाल में बहुत सारे प्रोटीन भी रहते हैं। तो इतना बहुत अच्छा एक हेल्दी रेसिपी है और टेस्टी भी है। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक बोल लिया, उसमें ओट्स लिया। आप रोल ओट्स मिल जाए तो और लीजिए, उसमें बहुत ही अच्छा बनती है, और नहीं तो नॉर्मल जो ओट्स है वही आप यूज़ कीजिए। इसको 1.5 कप मैंने ओट्स लिया, उसका साथ उड़द दाल 1 कप लिया, और इसका साथ मैंने थोड़ा सा मेथी सीड लूँगी। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं मेथी सीड, बट बहुत हेल्दी है तो इसको लेना चाहिए। इसके बाद मैंने इसको अच्छे से पानी में प्लेन वाटर से अच्छा से इसको धो लेना है सबको, जैसे क्लीन पानी आने तक आप लोग इसको अच्छा से धो लेना चाहिए। तो धोने का बाद हम लोग इसको सोक करेंगे। अब देखिए, जो डर्टी वाटर उसको फेंक दिया, उसका बाद फिर प्लेन वाटर उसके साथ ऐड किया। ऐड करके इसको सोक करने के लिए हमें 5 से 6 घंटे तक इसको ऐसा ही रखना है, नहीं तो ओवरनाइट रखे तो और भी अच्छा है। इसको देखिए, आप 5 ओवरनाइट के बाद आप इसको एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको हम लोग निकाल देंगे। ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए, लेकिन पूरा वाटर नहीं फेंकना है, थोड़ा सा पानी इसमें रखना है। इसका हमने मिक्सी ग्राइंडर में इसको मिक्स लिया, पीस लिया। पीसने के बाद हम लोग एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। आप देखिए, ऐसा ही कंसिस्टेंसी होने चाहिए जैसे डोसे का बैटर होती है, बिल्कुल ऐसा ही होने चाहिए। अब देखिए, इसको कंसिस्टेंसी ऐसा ही होना चाहिए। अब देखिए, बहुत ही अच्छा है। इसको सिर्फ इसमें सॉल्ट ही मिक्स करना है। आप जितना बनाएंगे उतना ही सॉल्ट मिक्स कीजिए, और आपको एक्स्ट्रा हो जाए तो वो 2-3 दिन आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। उसमें बिल्कुल सॉल्ट ऐड नहीं करना है, जितना बनाएंगे उसमें ही सॉल्ट ऐड कीजिए। इसके बाद एक पैन को हम लोग गर्म किया, उसके बाद हम लोग बैटर पोर किया। अब देखिए, इसमें ऐसा ही स्पून का मदद से आप ऐसा ही फैला देना है। डोसा जैसे बनाते हैं बिल्कुल ऐसा ही बनाना है, लेकिन गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम में मत बनाइए, तो इसको जल्दी जल जाते हैं और ऊपर का हिस्सा कच्चा रह जाएंगे। इसलिए ऐसा ही स्लोली इसको कुक करना है। इसके ऊपर थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ, आप चाहे तो कीजिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने इडली चटनी पाउडर जो मिलती है वो भी डाल रही हूँ। इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट रहते हैं। इसको एक बार डाल के आप टेस्ट करके देखिए, बहुत ही टेस्टी रहते हैं। इसका बाद मैंने 1 टीस्पून ऑयल दिया। आप इसका जगह बटर, घी, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग इसको पकाया। अब देखिए कितना अच्छा से डोसा बन गई। तो हम लोग ऐसा ही डोसा बना के, पूरा बैटर से हम लोग ऐसा ही डोसा बना के रेडी करेंगे। अब देखिए, फिर रिपीट कर रही मैं देखने में, पहले थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको स्प्रिंकल करके देना, उसका बाद आप जितना बड़ा डोसा बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप बैटर इसमें डालिए और उसको फैला दीजिए। जितना थीन हो सके उतना फैलाइए, तो डोसा का टेस्ट और भी अच्छा रहते हैं। तो आप देखिए कितना क्रंची क्रिस्पी डोसा बन के रेडी हो गई ना। आप कोई भी टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। और मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप देखिए कितना जल्दी जल्दी डोसा बन के रेडी हो गया। एक बार पैन गर्म हो जाते हैं तो बहुत जल्दी ये बन के रेडी हो जाती है, इसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए। अब देखिए कितना अच्छा है ना। आप और भी क्रंची एंड क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा इसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें टेस्ट ख़राब हो जाते हैं। आप सिंपल ऐसा कीजिए, फर्मेंटेड करने के बाद आप इसे बनाइए, तो कितना हेल्दी एंड टेस्टी रहते हैं ना। हमारा डोसा बन के रेडी हो गया। इसका कोई कोकोनट चटनी और पीनट्स चटनी का साथ आप सर्व कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।